हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और न्यू गेम में। आज हम खेलने वाले हैं सुपर मार्केट सिम्युलेटर। तो इस गेम में देखते हैं भाई क्या करना होता है हमें। यहाँ पे पहले मैंने न्यू गेम के बात किया तो ये जो विंडो है हमारे सामने आई है। यहाँ पे लिखा है यू विल स्टार्ट स्मॉल स्टोर एंड ग्रो मैंने विश हम सुपर मार्केट स्टार्ट बाई परचेसिंग गुड्स एंड सेल्फ प्लेस वाला जो भी है ओके करते हैं और हमारी गेम हम स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखे तो काफ़ी, अरे यहाँ पे स्टोरेज भी है भाई। ऑर्डर गुड्स यूजिंग योर कंप्यूटर, ओके ठीक है। यहाँ पे कहाँ तक हम जा सकते हैं पहले तो हम यही देखेंगे भाई। अरे देखने से तो ये कैडलेक की कॉपी लग रही है, पीछे से ये डॉज की लग रही है। काफ़ी आगे जा सकते हैं यार। चलो ये सब छोड़ते हैं, हम हमारी गेम स्टार्ट कर देते हैं अभी। क्योंकि ये वो फॉक्स वैगन की है ना। ओके तो यहाँ पे हमारा है और ये दो शेल्फ वगैरह भी लगी हुई हैं। तो मूव कैरी आओ, तो मैं इन्हें यहाँ पे लगा दूँगा, यहाँ पे ठीक रहेगा। क्योंकि यहाँ पे ठीक है ना। चलो ये थोड़ा सा पीछे करने वाली है, थोड़ा सा इसको कर दूँ भाई। तो अब यहाँ पे लग गया ना, यहाँ पे मुझे कुछ सामान बाय करना है। ये मार्केट है मैनेजमेंट में, ओके। यहाँ पे काफ़ी सारे लाइसेंस हैं, बिल्स, ग्रोथ, हायरिंग। लिए मैं लेवल 10 चाहिए भाई, बहुत लंबा लेवल है यार। बैंक में ओके, लोन वगैरह भी मिल जाता है। मार्केट में देखे तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं और हमारे पास $50 ही है भाई। 35, ओके। तो सबसे सस्ता सामान, सस्ता सस्ता हम ज़्यादा सामान ले लेंगे, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, और 26, 39 हो गया, और ये 57 हो गया है। तो इसको माइनस करके ये मंगा लेते हैं। कहाँ पे आएगा? ओके ये तो बाहर आ गया है। ओ अच्छा, ये है, इसको तो यहीं पे गिराना है ना। ये क्या है? है ये भी पास्ता, मेरे को तो पास्ता ही लग रहा है। और ये ब्लू वाला क्या है भाई? मे बी और होगा, अगर ये तो ब्रेड है उसका तो हमें पता ही है। पैसे तो मैंने सारे उड़ा दिए हैं। इनका प्राइस भी सेट करना पड़ेगा भाई। जो मार्केट प्राइस है वो 3.12 का चल रहा है, तो हम मार्केट प्राइस ना ही लगा देते हैं। चलो 12 है ना। ओके जो एवरेज कॉस्ट थी वो $0.99 थी, तो हमने मार्केट प्राइस से ज़्यादा लगा दिया। ज़्यादा भी लगा सकते हैं क्या? जैसे कि मैं 3.50 लगाऊँ तो। ओह ये तो अच्छी, ज़्यादा भी लगा सकते हैं। 3.7 बना तो इसका $4 लगा देते हैं। और ये जो है 3. ओके ऑलमोस्ट 4 है ना, तो 4.20 का लगा देते हैं इसे। और एक ये भी बाकी है, ये 1.4 है इतना, तो हम इसका $5 लगा देते हैं। अब प्राइस लग गया, अब हमें ओपन करना है स्टोर। वेट फॉर द फर्स्ट कस्टमर, ओके ठीक है। कस्टमर भी आ चुका है, सामान, अरे कुछ तो लिया है ये। मुझे इसका चेंज देना है $46.50। 46 हो गए, अभी 50 सेंट हो गए। स्पेस से अप्रूव होता है ये। तो हमारी पहली कमाई तो हो चुकी है, बोनी हो चुकी है भाई हमारे स्टोर की। और टाइम बहुत तेज जा रहा है भाई। ये कार्ड है, $5 टोटल बना है। ओ ये तो अच्छी बात है भाई, कार्ड से हो गई। हमें आप
ये लेफ्ट साइड पे देख सकते हो टॉप की ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, वहाँ पे हमें 25 कस्टमर्स को करना है, चेकआउट करना है। देखते हैं भाई कितने कस्टमर आते हैं और कितने नहीं। $23 तो मेरे पास सोच आ चुके हैं। कुछ तो था जो मैंने नहीं मंगवाया है। ये चार चीज़ें हैं ना, टोटल सिक्स है यहाँ पे। ये तो ज़्यादा, ये नहीं मैंने मंगवाया था, तो भी मैं मंगवा देता हूँ। ये 7.70, ओके, तो इसका है 8.20। और बाहर हमारे पास बॉक्स में तो ये भी पड़ा है, तो जी से मैं इसे यहाँ पे रख के जल्दी से अपना प्राइस सेट कर देता हूँ। इसका $5 रख देता हूँ। ठीक है, अभी इसका भी हमने प्राइस सेट कर दिया, सभी का प्राइस सेट कर दिया है। वैसे मुझे लग रहा है कि यार हम ज़्यादा रखेंगे तो शायद से सामान का कुछ गड़बड़ हो सकती है। ओके, तो ये भी हो गया है। ओके, इसको $5 का देना है ना। कम ज़्यादा भी चेंज दे सकते हैं क्या सर? अगर कम ज़्यादा होगा तो मेरे ख्याल से वो बोल भी सकते हैं शायद से। ये तो कस्टमर तो बहुत आ रहे हैं। $1.80 है ना, ठीक है। सात लोग तो सात कस्टमर आ चुके हैं, लोग नहीं, 50। ओके, हमारे पास 36 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, $36 तो हमारे बन ही चुके हैं। अब देखते हैं हम कितना बना पाएंगे, आज के टाइम पे हमारा कितना बन पाएगा। अभी और कस्टमर आ नहीं रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा भाई। तो ये भी आ चुका है, इसके हमें $16 देने हैं ना। हो गया, $40 हमारे पास हो चुके हैं। एक और थी जो मुझे मंगवाना था, ये 35 का। यार ये लोग उठा ना लें, पहले मैं इनको पे करने देता हूँ, आई मीन इनको लेने देता हूँ इनका सामान जो भी है। 96, अरे भाई जो छुट्टा ही लेने आए लगती है मेरे को लगता है। $6 मेरे को और वापस करते हैं, और ये हो गया ना। तो लेने देते हैं, इसके बाद मैं रख दूंगा। इसका प्राइस है 6, तो हम 6.50 इसका रख देते हैं। और पहले ये कचरा मैं निकाल दूं, 3.50 है ना। तो अभी तक हमारे 12 कस्टमर्स ही हुए हैं, कम हुए हैं। क्या चीज़ बाकी है? ये रेड वाला जो है ना, ये लेना पड़ेगा। कितने का मिलेगा ये? 7 का है ना। एक बॉक्स इसका भी मंगवा के हम अपना काम कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये सामान तो मेरे पास पड़ा है, $5 है ना। ये यहाँ पे प्राइस देखना, तो यहाँ प्राइस इनका सेम ही लगा है। तो एक बार हमें प्राइस सेट करना है, उसके बाद हमें सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ कम होगा तो हम मंगा लेंगे। $50 इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर मी। ओके, 4.60 का लगा देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा रख देते हैं, ज़्यादा नहीं, तो ज़्यादा लोग बाय नहीं करेंगे है ना। ठीक है, तो हम ज़्यादा नहीं रखते हैं, जैसे कि इसे मैं 6 का रख देता, और ये 4, ये तो ठीक है। और इसका प्राइस 3.25 रख देते हैं, और ये जैसे
इसका मैं 4.10 का रख देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। और अरे भाई अंधेरा हो गया यार, लाइट कहाँ से ऑन होगी? मुझे लाइट ऐसे या फिर अपने आप होगी। ये भी हो गया यार, रही स्विच, ये मुझे ही ऑन करनी पड़ेगी। टर्न ऑन लाइट यूजिंग द स्विच ऑन द वॉल। ओके, ये तो मैंने कर ही लिया है भाई। अभी तक 17 कस्टमर ही आए हैं भाई, 25 तो टारगेट हो जाता आज पूरा। कुछ मंगाने वाला मुझे लग नहीं रहा। 1 2 3 4 5 6। ओके ठीक है। ये क्या है भाई, पास्ता है ना या फिर कुछ और है? ये तो पता नहीं, लेकिन ये मेरे को लग रहा है। ओके, ये तो फ्लोर है, आटा है, ये ब्रेड है। ये कब लेके गई भाई? 4.3 डॉलर हो गए हैं मेरे ख्याल से। डे एंड कैसे करते हैं इसमें, या फिर सोने वगैरह जाना पड़ेगा क्या? अरे भूत आ गई भाई, स्टोर में भूत है यार। देखो ऐसा भी होना चाहिए था यार, कोई ऐसी गेम जिसमें भूत भी हो और ऐसे हम सिमुलेटर टाइप के गेम हो। तो अभी तक 19 आए हैं, जे 20 हो गए, 5 अभी और बाकी हैं। ये तो 90, अभी भी 5 कस्टमर और बाकी हैं। कुछ बाकी है कि हमें ये फ्लोर मंगाना है। फ्लोर मंगा, क्लोज आफ्टर, ये अभी नहीं आ सकता। और 16.10 इसका आउट है। 3 और चाहिए बस, 3 और आ जाएं, हमारा काम हो जाएगा। एंटर तो फिनिश आ गया ना। चलो हम हमारा आज का दिन फिनिश कर देते हैं। प्रोडक्ट फाउंड एक्सपेंसिव, ये अभी नहीं होगा क्योंकि अभी हमने इसे बंद कर दिया है। हमें ज़्यादा एक्सपेंसिव, तो आज हमने 91, नहीं, आज का जो प्रॉफिट है वो 41 डॉलर हुआ है। अच्छा है। यू रिसीव अ डेली बिल स्टार्टिंग टुडे, मेक श्योर टू पे द बिल यूजिंग योर कंप्यूटर बिफोर द ड्यू डेट और दे विल पे ऑटोमेटिकली। मोर इलेक्ट्रिक डिवाइस द मोर, ऑन ही कर देते हैं भाई। फ्लोर मंगाना था मेरे को, फ्लोर मंगा लेते हैं एक, और एक ऑयल एंड बाकी सामान अभी काफ़ी पड़ा है। ऑयल कहाँ, दोनों मंगा लेते हैं। इन्होंने बोला था, अरे ये फनी है यहाँ पे। ओ मैनेजमेंट में बिल देखा था मैंने, तो आज तो बिल नहीं आया मेरे ख्याल से, शायद वीक में आता होगा। देखते हैं कब आएगा। फ्लोर को भी मैं लगा देता हूँ, चल फुल हो चुकी। अब देखते हैं, कितने का हो गया, 9.3 डॉलर। बस 2 कस्टमर और चाहिए और हमारा काम हो जाएगा आज का। अभी हमारे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है, ओनली 74 डॉलर्स हैं, तो हमें ठीक अपना सेविंग करके यूज़ करने पड़ेंगे। मैं लोन लेना नहीं चाहता, लेकिन हम लोन ले सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर लेंगे। मुझे लग रहा है कि लेने की ज़रूरत पड़ेगी। मैनेजमेंट में जाए तो लाइसेंस में जाए, ये थर्ड लेवल पे है, थर्ड लेवल पे हम आने वाले हैं, लोन ले सकते हैं ऐसे, और लेने की ज़रूरत पड़ भी सकती। ज़्यादा 350 का है मुझे लगा, 350। अब अगर मैं यहाँ पे लोन पे जाऊँ, थिंक अभी नहीं है, लेवल 4 पे तो लोन ओपन होगा। ओके, तो हमारा 25 कस्टमर हो चुके हैं भाई। अब क्या है, परचेज प्रोडक्ट लाइसेंस यूजिंग योर कंप्यूटर,
300 का है ना वो, तो 300 का है, तो इसके लिए हमें पैसे सेव करने पड़ेंगे। चलो तो फिलहाल 95 तो हो ही चुका है और दिन के 12 भी बज चुके हैं भाई, रात तो बहुत जल्दी हो जाएगी ऐसे साथ। ओके तो अंधे तो बहुत आ रहे हैं, ये लाइट अच्छी लाएगा भाई यार, बिल पता नहीं कितना आ जाएगा इसका। हाँ ऐसे संभाल लो ना, ज़्यादा ज़्यादा सामान ताकि ज़्यादा कम, ये तो बहुत कम सामान ले रहे हैं यार। 40 ज़्यादा सामान, ओके तो 129 हमारे पास। ओके ब्रेड और ये दूसरा भी मंगा लेते हैं, और साथ में ये सुसु क्या है भाई, सुसु मंगा लेते हैं, क्या है ये, ये हो गया और एक ब्रेड हो गया और एक हो गया। ओके $2 तो शिप के भी लग जा रहे हैं, सुसु भी लगा देते हैं यहाँ पे, और ब्रेड भी हो गया यहाँ पे। थोड़ा सा वेट करना पर, सभी अभी आता हूँ मैं। इसको तो 43, अरे ये पड़ रही है दुछ की। $72 फिर से हमारे पास वापस है, लेकिन ये कम है, 300 के हिसाब से तो बहुत कम है भाई। एटी वन, 300 और 81 बहुत फर्क है यार। 740, 567 और 30 एंड ये हो गया 40। तो ये तो मैं मंगा लूँगा, लेकिन खुलेगा क्या क्या मुझे, पहले तो मुझे वाटर चीज़ पैक, ठीक है कॉफ़ी है और 8 पैक एग है, मिल्क टी ब्लैक, ओके टी ब्लैक, T5 वापस कर दो। और ये तो मार्केट का हो गया, फर्नीचर में फ्रिज भी है, देखते हैं भाई क्या होता है। फिर आज हमें ये प्रोडक्ट लाइसेंस आज की वीडियो में ये खरीदना ही खरीदना है। हाँ वेट करते हैं, वैसे भी थर्ड लेवल तो हम हो ही चुके हैं थोड़ा बहुत। रात हो गई, बाद में देखें तो मैं पड़ेगा। 91, अरे नाइन्टी देना है। टेकिंग मनी बैक यू कैन, ओ ऐसे वापस आ $10 का ये सामान आने वाला फिर से अरे मैं 14 सामान क्या मंगवाने वाला है। वैसे अभी काफ़ी सारा सामान पड़ा है तो आने की जरूरत है नहीं अभी के लिए, ऑलमोस्ट सारा ही सामान पड़ा है भाई। अब लास्ट में बस कितने हो गए थे मुझे ये देख, एक अवेंड होगा बस, एक सामान लिया है सिर्फ 4.10 डॉलर का। अभी तो हमें एक प्रोडक्ट पे
2-3 डॉलर का, 1 से 2 डॉलर का हमें फायदा हो रहा है। 12 रुपये ज़्यादा महंगा है भाई, लेकिन लोग ज़्यादा महंगा सामान बहुत कम ले रहे हैं, तो इसको 32 वगैरह तो ये दे ही नहीं रहे हैं। 4 पॉइंट्स, अबे फाइनली हमारे पास 200 हो चुके हैं। 3.5, ओह ओके, तो आज का डे भी एंड हो गया है ना, अभी देखते हैं हमें। ओके तो सेटिस्फाई कस्टमर 21, स्टोर पॉइंट हाई कॉस्ट 89 और 200। हमारा तो अभी कुछ मंगाने की जरूरत है नहीं, तो 200 हो गए मेरे पास। बिल देखो, 20 का रेंट आ गया और ये भी काफ़ी टाइम बाकी है, तो ये तो अच्छी बात है। वैसे साथ साथ भरते रहेंगे ताकि ठीक है, तो सारे के सारे मैं एक एक कर खा लेता हूँ ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। साथ साथ ही अब ये मैं बोतल, क्या है भाई, ऑयल की बोतल लग रही है मुझे, भर देते हैं। ये भी ठीक है, ये भी यहाँ पे भर के बोर हो गया। रेंट हो गया, लास्ट प्रोडक्ट है। अरे गलत भर दिया, ऐसे वापस भी इसे कर सकते हैं हम। इसको डे को हम स्टार्ट कर देते हैं। E82 हो गए ना, फर्नीचर में कुछ नहीं भाई। ये चेकआउट काउंटर जो है वो 50 डॉलर का है, ये 500 का है, बहुत ज़्यादा है। 2024-27 पास की डेट बता रहे हैं भाई, कोई बंदा आया नहीं है। एक तो कस्टमर आ गया है, 300 बनाने हैं। अभी 4 लेवल भी नहीं हुआ, 4 नहीं। तो ये 6.50 का इसका बिल होता है, 9। ये जल्दी हो जाए ना, हो जाए तो भाई अच्छा हो जाएगा। अपन ऐसे तो कंप्लीट होने ही वाला है, लेवल 3.5 से ऊपर तो हो ही गया है। अब देखते हैं, 12.60, सामान तो मेरे पास बहुत हो गया है। इतना देखते हैं भाई कितना बिल बना है, 14 डॉलर। कैश वाले नहीं आते हैं यार, कैश वाले आओ तो। फिर तो आज ये चीज़ें बहुत लोग ले रहे हैं, इसका प्राइस की गड़बड़ तो नहीं है ना कोई जरा। अरे एक मिनट रुको जरा, ये मैं 6 डॉलर पे रखा, ये भी ठीक है, 10 सेंट का फ़र्क है, ये भी ज़्यादा नहीं है। ये 12 है ना, 3.20 करके देता हूँ मैं। ये
फोर है ना, 3.80 का रख देता हूँ, ये 4 का रख देता हूँ। हमें इनसे फ़ायदा तो हो रहा है वैसे तो, फ़ायदा तो वैसे भी हो रहा है, तो इस मेरे ख्याल से ना जितना कम प्राइस होगा वो उतने जल्दी खाली होगा सामान। अब ये $5 का है तो शायद से ऐसे हमें जल्दी सामान बिक जाए, क्योंकि ये बहुत जल्दी खाली हो रहा है, शायद से कस्टमर ज़्यादा हो। ओके, तो हम फोर्थ लेवल पे बस आने ही वाले हैं, फोन तो हम ले सकते हैं। ओके, तो हम फोर्थ लेवल पे आ गए, मैं लोन लेने जा रहा हूँ यहाँ से, बैंक से। ठीक है भाई, रिटर्न पेमेंट है 24 डेज, डेली पेमेंट 50 होगा, ठीक है। तो ये डेली पेमेंट 76 है, तो हम ज़्यादा पे करेंगे इससे, हम कम पे करेंगे। 168 तो बहुत ज़्यादा है यार, इतना तो हम फायदा नहीं। ये ठीक है, अब प्रोडक्ट लाइसेंस भी लेना है ना मुझे। ओके, तो हमने पता नहीं कितने का मैंने लोन लिया है। पेमेंट में बात करें तो हमें टोटल जो है वो $993 का हो गया है। ये कैसे भाई, चलो तो देखते हैं। 10.20, और मेरे ख्याल से मैंने ज़्यादा कर ले लिया है क्या। चलो कोई बात नहीं, ये बाद में देखेंगे, अभी पहले मुझे मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा, लाइसेंस में जाके ये वाला लाइसेंस खरीदना है। ओके, यूजिंग योर कंप्यूटर, बट मैंने लाइसेंस खरीद लिया है। अब देखते हैं, हम $5 का यहाँ पे जाएं तो मार्केट में मेरे को मिलेगा क्या, नहीं मिला ऐसे। अब वो नहीं, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि गेम में कुछ तो दिक्कत हो रही है, या फिर अगले दिन में मुझे ये मिलेगा। 7.20 हो गया इसका, 88 है ना, 5678। हमारे पास काफ़ी बड़ा है मेरे ख्याल से, डे एंड करने के बाद में मेरे ख्याल से मुझे मिल सकता है। बिल मेरा अभी कोई नहीं है, तो वो तो मैंने कर दिया। कि सेक्शन भी हम यहाँ पे अनलॉक कर सकते हैं, पहले मैं ये बाद में करूँगा सेक्शन अनलॉक वाला, पहले हम देखते हैं हम मेरे पास कितना पैसा बचता है। अगर ये कुछ ग्लिच वगैरह हो गया तो भाई मेरा काम ख़राब हो जाएगा। 10.60 सेंट है ना, ये डाउन कर देता हूँ। मैडम जल्दी लो ना, तो शाम के 7 बज चुके हैं। सामान तो वैसे धड़ाधड़ बिक रहा है भाई, है एंड फाइन कॉफी। अरे यार, लेकिन यहाँ पे तो मुझे दिख नहीं रहा है भाई मार्केट में, वो तो बोल रहे हैं ये एंड फाइन है। सेवन पॉइंट सिक्स ई प्लेस टी, यहाँ से भाई। लेकिन मेरे को यहाँ पे साइट पे दिख तो रहा नहीं है कि जो मैं खरीद सकूँ। कहाँ पे शो होगा यार, यहीं पे शो होगा ना, उसे बंद करके दोबारा चलाऊँ तो नहीं हो रहा। चलो डे एंड होने ही वाला है, पहले हम डे एंड करके देखते हैं, क्या पता कि मुझे नेक्स्ट डे पे ये शो होने लग जाए। 8 से शुरू हुआ था, 8 दोबारा बज गया। कितना समा लिया रे भाई, 19 है ना, 20 हो गया। अभी लोग ज़्यादा सामान लेने लग गए हैं, तो हम हमारा थोड़ा फायदा भी हुआ है वैसे, 600 बचे थे मेरे पास, 700
$100 तो हमने बना ही लिया है वैसे तो। ठीक है भाई, तो है। और मुझे सामान भी खरीदना है, फिर हम इसे एंड करते हैं, क्योंकि मुझे भाई सामान भी खरीदना है, तो हमारा माइनस भी हो रहा है। तो अभी मैंने ना गेम बंद करके चलाई है, तो अभी ठीक हो गया है। देख सकते हो साइट पे ऑब्जेक्ट तो बदल गया है, और मार्केट में प्रोडक्ट भी आ गए हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट में बताया है कि परचेज अ फ्रिज और शेल्फ, तो कोई एक चीज़ हमें लेनी है ना। यहाँ पे फर्नीचर में मैंने को फ्रिज देखी थी, फ्रिज ए और बी दो फ्रिज हैं, तो मैं डबल शेल्फ वाली फ्रिज देखता हूँ भाई। 75 पैसे अभी हमारे पास पड़े हैं, मैं यही लूँगा। अरे ये तो बहुत बढ़िया भाई, चलो ये फ्रिज लग गई है। अभी फ्रिज में क्या क्या सामान जाएगा मुझे ये देखना है। एक पानी की बोतल तो आएगी आएगी, इजी कोल्ड वाली जगह पे ही होता है ये। कॉफ़ी डार्क का मुझे पता नहीं है, पहले तो ये सामान देख लेते हैं। और ये, अरे यार ये तो है ना, तो मैं सारा सामान ही एक एक करके मंगा लेता हूँ। ये मैक्स हो गया। ओके, तो ये दो चीज़ें नहीं आई हैं मुझे लग रहा है, तो भी मैं मंगा लेता हूँ। और भाई हमारे पास अभी पैसे कुछ भी नहीं बचे हैं। अरे भाई ये ब्रेड तो बहुत बड़े थे यार, चलो कोई बात नहीं, सामान पड़ा है हमारे पास तो। ये तो यहाँ पे लग जाएगा, खाली है ना, ऐसा ना हो कि मैं भरा हुआ ही सामान वो कर दूँ यार। इसमें भी सामान पड़ा है जी, जिसमें सामान बाकी है वो सामान हम फेंकेंगे नहीं यार, यहाँ पे साइड पे रख देंगे। ये खाली है, ये सामान ये फ्रिज में जाएगा, और भी जाएगा क्या? खाली है ये तो। अभी इसका प्राइस ये 3.40 है ना, तो ये 3.45 रख देते, इससे कुछ होगा नहीं, तो जो मार्केट प्राइस है वही रख देंगे, वही रखने के लिए हमारे ठीक रहेगा भाई। अबे ये तो एकदम से खाली हो गया भाई, पास्ता पास्ता ही था ना ये। तो ये पानी भी मेरे ख्याल से फ्रिज में ही जाने वाला है। ये है 2.66 है, तो इसका मैं 70 रख दूंगा, इतना तो महंगा नहीं है ये। ये फ्रिज में जाएगा क्या? नहीं, ये शेल्फ पे आएगा। अब इसका जो प्राइस है वो 10, ओ भाई $10 का, हो 10.50 रख देता हूँ इसका, सिंपल रहेगा ना ये। ये क्या है, ये फ्रिज में आएगा क्या? नहीं, ये भी नीचे ही आने वाला है। ये क्या है भाई? ओ अच्छा, ये तो महंगा भी बहुत था, $100 से ऊपर का था ये, खाली है ना एकदम। और ये है 5, ओके तो ये 5.80 का रख देते हैं। अभी भी दो बॉक्स खाली हैं, ये किसका है? ओके ये तो यहीं पे आएगा मुझे लग रहा है। ये है 2.40, तो मैं इसको 40 रख लूँगा, $1 तो बच ही रहा है। तो ये एग है, मेरे ख्याल से एग भी इधर ही आएंगे। ये भी खाली हो गया है, ये कितने में जाएगा? इसका मैं $4 सिंपल रख दूंगा।
ओके, तो अभी हमने सामान तो सारा लगा दिया है। और मेरे ख्याल से ना आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। अभी हम जो हमारा नेक्स्ट डे है वो हम यहीं से शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट डे शुरू करेंगे, यानी कि यहाँ आज का जो दिन है वो आज का दिन ही शुरू करेंगे। अभी टाइम नहीं चल रहा है, जब तक मेरे ख्याल से मैं ओपन नहीं करूँगा तब तक टाइम नहीं चलेगा। गेम को हम यहीं पे सेव कर लेते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।